तो दोस्तों ये काफी खाया पिया लग रहा है, मूली वाले देर तो दोस्तों आप देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो हमारे भारत का इंडियन रॉक पाइथन जिसको कैच करने के लिए जौनपुर सिटी से 40 किलोमीटर की दूरी पर, कितनी दूरी है, 40 किलोमीटर की दूरी पर दोस्तों ये पिलकिछा एक गांव है वहीं पे आ चुका है। दिखा दे निकाल के फटाफट के अंदाज में नज़रें जमाए रखिएगा क्योंकि खतरा तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दोस्तों ये हड्डी तोड़ने का थोड़ा सा मास्टर है। दोस्तों इतने बड़े जीव का काफी यानी कि परसों से ही बेसब्री से इंतजार था और वो समय आज आपके सामने आ चुका है। तो आप देख सकते हैं ये काफी बड़ा जानवर को निगल चुका है, इसको उठाने में थोड़ा सा वेटेड होगा, ये तकरीबन दोस्तों 1.25 क्विंटल के आसपास होगा। तो इसको उठाने के लिए मुरली वाले हौसला के साथ साथ टीम की जरूरत पड़ती है, गुस्से में है। चलिए देखते हैं जरा सा। तो दोस्तों जब ये फुंकार मारता है तो इसी प्रकार से अपने भोजन पर अटैक करता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ऐसी स्थितियां बहुत कम देखने को मिलती हैं। जब भी ये पीछे की तरफ यश बनाता है तो सामने अटैक करता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरीके का इसका अटैक है। कोई बड़ा जानवर दोस्तों ये खाया हुआ है, कोई बड़ा जानवर खाया है। तो दोस्तों अब ये यश बना रहा है। तो दोस्तों देखना ये है ये भोजन में क्या खाया हुआ है, हो सकता है दोस्तों क्योंकि ये अपने शरीर के हिसाब से यानी कि सेहत के हिसाब से कुत्ता भी खा सकता है, बिल्ली भी खा सकता है, फॉक्स यानी कि लोमड़ी भी खा सकता है, उल्फ भेड़िया भी खा सकता है, खरगोश को भी खा सकता है। पेट की जलन है दोस्तों क्योंकि अन्न में प्राण बसते हैं, ये अपने जीवन की रक्षा के लिए अपने प्राणों को बचाने के लिए कुछ भी खा सकता है। इसको अब बाहर निकालते हैं, इंतजार की घड़ियां समाप्त होती हुई और जल्द जल्द बाहर निकालते हैं। की तरफ भी झपट्टा मार बस बस हाँ गुड। तो चलिए दोस्तों हम इसे तो दोस्तों इसी तरीके से अपने शिकार को अटैक करता है। मुंडी सुखाता है जैसे ही लपेटे मुंडी को बोलिए नहीं भैया। तो दोस्तों ये इतने बिग साइज का है, ये इंसानों को भी अटैक कर सकता है और इंसानों को भी निगल सकता है दोस्तों अपनी सेहत के अनुसार। बाहर बहुत बड़ा है भाई जाएगा पागल लगाओ उसको थोड़ा बाहर 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 पे ले तो बाहर बाहर सर पूरा
इधर ही घुमाइए, खींचिए खींचिए एकदम सनसना के, बहुत तेज लेके आइए बाहर, पहले लेके चलिए, छोड़ दीजिए। तो दोस्तों ये काफी खाया पिया लग रहा है, घबराइए नहीं, घबराइए नहीं, घबरी और कहा बता रहे भैया, शांति शांति एकदम, बोलिए नहीं। तो दोस्तों ये तकरीबन 11 फीट के आसपास है और भोजन जिस तरीके से ये किया है दोस्तों, देखना ये है कि खाया क्या है। तो दोस्तों ये तो बेजुबान है इसलिए इसको मारना नहीं चाहिए। तो चलिए दोस्तों अब हम इसे कैच करते हैं। गर्दन पे हाथ लगाने का मतलब दोस्तों ये है, ये खतरा तो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो चलिए दोस्तों हम इसे कैच कर ले हैं, हाथ लगा गोदिये से थोड़ा दूरी बना रखी। तो दोस्तों ये बड़े से बड़े जानवर को निगल जाता है। बताने का मतलब ये है दोस्तों, कहने का, जब ये किसी बड़े जानवर को निगलता है तो उसकी जो हड्डी पसलियाँ रहती है, जो शरीर के बड़े तगड़े पार्ट रहते हैं, उसको ये निगलने के बाद में जब ये बीट करता है तो बड़ी से बड़ी हड्डियों को भी ये गला देता है। यानी कि इसकी पाचन क्षमता जो शक्ति है इतनी ताकतवर है दोस्तों कि इसको पचाता बड़ा गजब का है। बीट करने से ऐसा पता चलता है दोस्तों कि बीट करने के बाद में इसको देख करके ऐसा लगता है, इसकी बीट को ऐसा देख करके लगता है कि जिस चीज़ का इन्होंने बाइट यानी कि बीट किया है वो बिल्कुल चूने जैसा हो जाता है। तो इसके लार ग्रंथियां इतनी एक्टिव होती हैं और इसके और ऊंट के दोस्तों दोनों की लगभग ताकत उतनी ही होती है, क्योंकि ये किसी भी चीज़ को जब खाता है तो पचाता बहुत बढ़िया से। काफ़ी खाया पिए हो भाई, क्या खाते हो यार तुम? मौसम अभी ठीक है, पूंछ छोड़ा है ना। तो दोस्तों काफी जद्दोजहद हुआ और ये खाए हुए जीव को पलटी नहीं किया। चलिए दोस्तों इसको हम ऐसा ही पैक करते हैं और लोगों से निवेदन करते हैं जो खा चुका है उसको पलटी ना करवाएं। चलिए हम इसे पैक करते हैं बोरी में और लेके चलते हैं यहाँ से काफी दूर। हाँ
खींचे थोड़ा हाथ लपेटेगा तो हम भी छोड़ देंगे। इधर लपेटने वाला है बोरी वाला बोरा ला गया बोरे में डाली एक लोग बोरा पकड़िए बोरा डाली चलिए भाई इधर से उठाओ उठाओ और नीचे तक जाने नीचे करें छोड़ना नहीं आ रहा तो दोस्तों इसको हम बोरे में पैक कर चुके हैं और चलते हैं किसी नदी के किनारे यानी कि जंगल झाड़ी में परिवार से काफी दूर इसको रिलीज करते हैं। और थैंक यू आप सभी को, आज के लिए बस इतना ही, फिर किसी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद बाय।